हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है। बयान बालेश्वर बाबा का हमेशा विवादित है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कभी बयान देते हैं कि जिनके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं होता है। बाबा को विवादित बयानों से बचना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि बाबा को चाहिए कि महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चाहिए कि जो महंगाई पर बात न करे उसको वोट मत दो, जो महिलाओं की बात शिक्षा की बात न करे उसे वोट मत दो, जो आपकी हक अधिकार की बात न करे। बाबा लोग ही बात करेंगे, लेकिन बाबा लोग बात क्या कर रहे हैं कि आप चर्च में मत जाइएगा, कोई कहता है मस्जिद में मत जाइएगा, कोई कहता है गुरुद्वारे में मत जाइएगा, कोई कहता है मंदिर में मत जाइए। ये मैडम कहीं ना कहीं गलत है। और इस बयान को देखिए, जनता सब जानती है और जिनकी आबादी कम होती है लोग उनको टारगेट करते हैं। बालेश्वर बाबा का ये कोई अच्छा बयान है, गलत बयान है, इन्हें वापस लेना चाहिए। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। 15% SC आ जाए, 15% OBC आ जाए और 15% ST आ जाए, अगर वो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ नितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने विवादित बयान दिया है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि क्रिसमस के त्योहार पर जाने के बजाय आप संत हनुमान जी के पास जाएं और बच्चों को उन त्योहारों से बचाएं जो कि पश्चिम से आते हैं त्योहार, तो सांता क्लॉज गिफ्ट लाएगा उन पर ना जाए। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। अनुराग ओझा, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सांता क्लॉज क्रिसमस को ही मतलब कि त्योहार है, जाना चाहिए तो अपने संत हनुमान के पास जाओ, वहां से प्रसाद लाओ, बच्चों को रोको यहां पर जाने से। नहीं, देखिए कि जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मुहूर्त देखिए तिन तैसे। मैं मंदिर जाऊंगा, गुरुद्वारे जाऊंगा, चर्च जाऊंगा, मुझे कोई रोकेगा थोड़ी मैडम। संविधान सबको अधिकार देता है। अब जिसकी मर्जी है वो हनुमान मंदिर जाए, जिसकी मन है वो चला जाए चर्च में। बाबा बालेश्वर धाम वाले फैसला करेंगे कि कौन हनुमान मंदिर जाएगा, कौन चर्च जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। बयान तो यही दे रहे हैं। देखिए, बयान बालेश्वर बाबा का हमेशा विवादित बयान होता है। कभी वो बयान देते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी बयान देते हैं कि जिनके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं होता है वो खाली प्लॉट होता है। तो बाबा को विवादित बयानों से बचना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि बाबा को चाहिए कि महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल किया जाए। बाबा को तो ये कहना चाहिए कि जो महंगाई पर बात ना करे उसको वोट मत दो, जो महिलाओं की बात ना करे उसे वोट मत दो, जो शिक्षा की बात ना करे उसे वोट मत दो, जो आपकी हक अधिकार की बात ना करे उसे वोट मत दो। मैं सोचता था बाबा लोग ही बात करेंगे, लेकिन बाबा लोग बात क्या कर रहे हैं कि आप चर्च में मत जाइएगा, कोई कहता है मस्जिद में मत जाइएगा, कोई कहता है गुरुद्वारे में मत जाइएगा, कोई कहता है मंदिर में मत जाइए। ये मैडम कहीं ना कहीं गलत है और इस बयान को वापस भी लेना चाहिए। तो क्रिसमस डे है आज, आपको ही पता है मेरी क्रिसमस डे है, और आज के दिन इस तरीके से विवादित बयान देना क्या असर पड़ेगा? मैडम देखिए, जनता सब जानती है और जिनकी आबादी कम होती है लोग उनको टारगेट करता है। अब जैसे यहाँ पे लोग बहुजन समाज के लोग ज्यादा हैं, अनुराग ओझा अकेला है, तो लोग मुझ पे हावी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार समाज में होता है कि जिनकी आबादी, जिनकी जिम्मेदारी कम होती है ना, जिनकी भूमिका कम होती है, लोग उसको दबाने की कोशिश करता है। मुझे नहीं लगता कि बालेश्वर बाबा का ये कोई अच्छा बयान है, गलत बयान है, इन्हें वापस लेना चाहिए। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। वही बाबा बागेश्वर तमाम विवादित बयान देते हैं, हिंदू राष्ट्र पे भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो है ये और सभी को हिंदू धर्म भी अपनाना चाहिए। देखिए मैडम, ये भारत है और भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। इस देश की आजादी के लिए मैडम हिंदुओं ने भी लड़ा है, मुसलमानों ने भी लड़ा है, सिखों ने लड़ा है, ईसाइयों ने लड़ा है। तो ये किसी एक विशेष को दर्जा देना मुझे लगता है कि गलत है। और मैं एक चीज कहता हूँ कि जितने भी SC ST OBC MAT के लोग हैं, सबसे ज्यादा उनकी भागीदारी है। 15% SC आ जाएं, 15% OBC आ जाएं और 15% ST आ जाएं, अगर वो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो अनुराग ओझा भी उनके साथ। आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने या नहीं? मैडम देखिए, संविधान जो कहता हो, मैंने संविधान को पढ़ा है, उसमें एक नहीं भैया कम से कम 10 आर्टिकल ऐसे हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है। ठीक, कुछ लोग तो कांग्रेस पे थोप देता है कि अगर धर्म निरपेक्ष ना आता इसमें है बदलाव के प्रस्तावना में तो अपना देश अब तक हिंदू राष्ट्र बन गया होता। मैडम हिंदू राष्ट्र देश के लिए एक अभिशाप है और हिंदू राष्ट्र ये देश कभी नहीं बन सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बनाना है तो इस देश को संविधान राष्ट्र बनाइए,
जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहे। मोदी जी अखंड भारत बना रहे हैं। देखिए मैडम, अशोक के समय पे अखंड भारत था, सम्राट अशोक के समय। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई में इसे बना पाएंगे मोदी जी? आपको हाँ हाँ, मैं चंपत राय को जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब बताइए कि राम के बारे में पहले बता दें, राम के बारे में क्या बताऊं? देखिए, मेरा राम में आस्था है, और मेरे राम के बीच में और आस्था के बीच में अगर आप दखलंदाजी ना दें, जो मेरी भाषा में कहा जाता है दलाली ना करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैडम, राम में मेरा प्रेम है। दलाली कौन कर रहा है? दलाली कौन कर रहा है? अब आप भारतीय जनता पार्टी वालों से ही उठा लो। अब राम का सर्टिफिकेट वही लोग बांटता है ना। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं भारत का हिंदू हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन भारत का ब्राह्मण हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण हूँ। मैं सनातनी हूँ लेकिन भारत का सनातनी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सनातनी नहीं हूँ। अभी सर्टिफिकेट बांटने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर अनुराग ओझा अगर सवाल पूछ दे, चार ठो सवाल बीजेपी से, तो अनुराग ओझा को देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या सवाल होंगे आपके चार। पहले तो मैडम संविधान को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला में 24 घंटे बदलने की बात की जाती है। अच्छा। दूसरा सवाल, महंगाई और बेरोजगारी पर आज की मीडिया खामोश है। तीसरा सवाल, महिलाओं पे, क्योंकि देश में महिलाओं की अगर भागीदारी नहीं होगी तो रेल में भैया अगर पहिया नहीं होगी, बस में पहिया नहीं होगी तो बस चल नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार बिना महिलाओं के देश भी नहीं चल सकता है। महिलाओं पर सवाल पूछना है मोदी जी से। मैडम आप एक महिला है तो ज्यादा बेहतर महिलाओं के सवाल। और चौथा सवाल, किसान, इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो ये पूरा शरीर अनुराग हो जाकर खड़ा है ना, ये खड़ा नहीं रह पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार किसान, मोदी जी की चाय है भैया। इसमें देखिएगा मोदी जी लिखा हुआ है कहीं, कैसा बात करती है मैडम। मोदी जी चाय बनकर तो प्रधानमंत्री बने। देखिए, चाय बेचने वाला चाय तो नहीं बेचता था ये लोग, आप लोग बताते हैं कि चाय बेचा करते थे, लेकिन वो देश बेच रहे हैं ये आप लोग नहीं बता रहे। रेल, तेल, सेल, खेल, भेल सब तो बेच रहे हैं मोदी जी। कुछ इस देश में बचा है कि पत्रकारिता का माइक तो आपके हाथ में है लेकिन आपका नहीं है, ये भी मोदी जी ने बेच दिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर काम करने लगे। चलिए तारीफ तो कर दीजिए मोदी जी की, जो संजय सिंह बने थे उन्हें निलंबित कर दिया पूरी बॉडी को, WFI फेडरेशन। मोदी जी ने किया है? मोदी जी ने किया, खेल मंत्रालय ने किया, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब डरता है अपना कानून वापस लेता है, और बिल्कुल जाट समाज के साथ में न्याय हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। और तो डर गए क्या मोदी जी? बिल्कुल, किस लिए डरे? एक चीज बताइए भाई, कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव था, मोदी जी ने काला कानून वापस लिया था, नहीं लिया था किसान वाला, लिया था कि नहीं? लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, ये मसला है लोकसभा के चुनाव। लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। अब मैडम आप समझदार कह रहे थे दबदबा है, दबदबा रहेगा। देखिए, नेताजी ने कह भी दिया, उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट भी किया कि उस दबदबे में अहंकार की बू आ रही है, तो अहंकार तो डूब गया। अहंकार से तीन गए, बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो, रावण, कौरव, कंस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा हमारे साथ थे। तो आपने सुना कि जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे, बाबा बागेश्वर जो लगातार हिंदू धर्म पर विवादित बयान देते रहते हैं, उन्होंने कहा कि क्रिसमस को सभी भारतीयों को नहीं मनाना चाहिए, उनकी जगह संत हनुमान जी की चरणों में जाकर प्रसाद लेना चाहिए और ऐसे त्योहारों का बहिष्कार करना चाहिए। वही अनुराग ओझा ने बाबा बागेश्वर की अच्छे से यहाँ पर धुलाई कर दी और कहा कि जिसको जो मानना है वो अपना उसको मान सकता है, कोई भी त्योहार मना सकता है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।